चाइना का, पर ये मैंने डब्बा पैक लिया था लाहौर से, कमाल का स्पीकर्स, ओरिजिनल हैं स्पीकर्स, कोई लोकल नहीं है। ये एम सपोर्टेड है, पर मैं इसको एम पर नहीं रखूँगा, इसको डायरेक्टली डेक के साथ लगाऊंगा। जो हमारा डेक है वो कुछ इस तरह की लुक दे रहा है। V8 और प्राडो वगैरह तो बड़ी देखी होंगी दो बैटरियों वाली, पर ये देख सकते हैं आप सेंट्रो के अंदर दो बैटरियां लगी। पक्का काम हो गया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर से होंगे। तो आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। मुझे पता है मैं बहुत देर से चैनल से गायब हूँ, वीडियोस बहुत ही डिले हो रही हैं, बस यही करता रहता हूँ कि आज जाता हूँ। तो फाइनली आज हम अपनी गाड़ी के अंदर साउंड सिस्टम का काम करेंगे। ओके, जिस तरह की पिछली वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाया था डिग्गी के अंदर बेस ट्यूब वगैरह पड़ी हुई थी, एम्पलीफायर पड़ा था, स्पीकर्स पड़े थे, जितनी भी चीज़ें हमने इंस्टॉल करवानी है वो सारी हमारे पास मौजूद है। सिर्फ और सिर्फ आज आगे इंस्टॉलेशन करवानी है, जिसके अंदर JVC के मेरे पास ओरिजिनल स्पीकर्स पड़े हुए हैं, जो मीरा के अंदर लगवाए थे उसके अंदर हार्डली एक महीना यूज़ किए हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू पड़े हुए हैं। उसके अलावा एम्पलीफायर भी मीरा वाला ही यूज़ करूँ, जो कि 5000 वॉट का है, 4 चैनल। उसके अलावा बेस ट्यूब भी मीरा वाली ही यूज़ करूँ। मेरे पास 2 सेटअप पड़े हुए हैं, एक बहुत अच्छा है वो हम इस गाड़ी के अंदर लगाएंगे, और एक थोड़ा सा हल्का है वो हम मीरा के अंदर लगा लेंगे, क्योंकि ये गाड़ी ज़रा अब हम तैयार जो कर रहे हैं तो फिर इसके अंदर कोई अच्छा सेटअप ही लगना चाहिए। तो निकलते हैं, चल के इंस्टॉलेशन करवाते हैं और आपको भी, आपके साथ भी शेयर करते हैं, और देखते हैं इस गाड़ी के अंदर जो साउंड है वो किस तरह का निकलता है। बाकी अगर डेक की बात की जाए, जो टेप है वो भी मैं मीरा की लगाने लगूँ, जो मीरा के अंदर ओरिजिनल आई थी। मीरा के अंदर फिलहाल तो एंड्रॉयड पैनल लगा हुआ है, इसके अंदर भी एंड्रॉयड पैनल लगवाना है, क्योंकि इसका क्लाइमेट कंट्रोल ऊपर है, इसको शिफ्ट करवाना है पहले नीचे, और जो हमारा इंफोटेनमेंट सिस्टम जो एंड्रॉयड पैनल है उसको हमने करवाना है शिफ्ट ऊपर। वो एक ऑल्ट्रेशन वाला काम है, वो इंशाल्लाह आगे इन फ्यूचर करेंगे। निकलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में इस वीडियो को लाइक कर लें। अगर सेटअप की बात की जाए तो कहते हैं ना कि डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, इसका भी वही वाला हिसाब है। जो बेस ट्यूब है इसकी हालत थोड़ी खस्ता है, क्योंकि पुरानी है और बाहर पड़ी रही है काफ़ी देर, जिस वजह से इसकी हालत ये हो गया, पर बेस चस करवाती है। एम्पलीफायर आ गया, ये देख सकते हैं आप, है चाइना का, पर ये मैंने डब्बा पैक लिया था लाहौर से, कमाल का स्पीकर्स, ओरिजिनल हैं स्पीकर्स, कोई लोकल नहीं है। ये एम सपोर्टेड है, पर मैं इसको एम पर नहीं रखूँगा, इसको डायरेक्टली डेक के साथ लगाऊंगा JVC के, और इनको पीछे जहाँ लगाना है ना ऊपर वाली साइड पर, वहाँ सुराख भी नहीं हुए, वो भी जाके करवाने हैं, वो स्पीकर्स की जालियाँ पड़ी हुई हैं। तो निकलती हैं, बस करते हैं बंद गाड़ी को। फाइनली हम शॉप पर पहुंच चुके हैं, इस्लामिक अली रोड पर है ये साउंड सिस्टम की शॉप, और ज़रा चल के देख क्या करते हैं वो। One eternity later. ये वाली मीरा की टेप है जो कि मैं इसके अंदर लगवाने लगूँ। अभी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, इतना कि आपको पता है एज यूजुअल कॉम्प्लिकेशन आती रहती है, तो ये ज़रा लगा के चेक करने लगे हैं। इसको लगाते हैं तो वो फ्रेम नहीं बंद होता। ये वाला डेक हमने लगाने की कोशिश की और नहीं लगा, ये बहुत बुरा लगना था, लग जाना था, पर ये वाला किस तरह आना था, ये इतना इतना बाहर आना था, वो फिर मज़ा नहीं था करवाना, जिस वजह से हम फिर नया वाला डेक परचेज़ करके वो लगाने लगे हैं। इसके अलावा वायरिंग का काम जारी है, एम्पलीफायर सीट के नीचे आएगा, उसके अलावा बाकी जो स्पीकर्स हैं वो पीछे, और जितनी भी स्पीकर्स की वायरिंग है हुई हुई है गाड़ी के अंदर पहले भी, पर मैं दोबारा से न्यू करवाने लगा। और इन्होंने हमें कायल कर ही लिया कि ये वाली लगवाएं आप, इसी तरह ही है ना, इन्होंने मना ही लिया हमें, मैंने उनको बड़ा कहा कि वो किसी तरीके कर लें, पर क्या कह रहे हैं काम से ही है, चले देखते हैं। खैर बाकी ये वाली इसके अंदर ब्लूटूथ है कि नहीं, ब्लूटूथ है, USB है, बस हमारा काम तो ब्लूटूथ के साथ ही। दूसरी तरफ वायरिंग का काम जारी है, जितने भी कोई वायरिंग वगैरह है उसको मुकम्मल कर रहे हैं, वायर वगैरह कर रहे हैं, और इधर ये फिटिंग कर रहे हैं टेप की, जो डेक लगाना है हमने, ये सीन चल रहा है। और
जो हमारा डेक है वो कुछ इस तरह की लुक दे रहा है। नीचे जो बॉक्स है ये ओरिजिनल वाला है और ऊपर डेक आ गया, बेहतरीन 00 का काम हो गया। ये इसका डिब्बा है और इसके अंदर ये इसकी वायर ग्रिप्स वगैरह और रिमोट आ गया है। वैसे क्या मैंने तो अभी तक देखी नहीं। One eternity later. इग्निशन स्विच ऑन आ रही है करंट, रुक जा मैं बंद करता हूँ, ये बंद किया है। ओके पीछे से उन्होंने निकाल लिया, उसके ऊपर बस उसकी कटिंग करने लगे हैं, फिर स्पीकर इंस्टॉल होंगे। निशाना तो उन्होंने लगा लिया। नहीं नहीं मैं वाला ये कटेगा ना, ये वाला भी काट दें और ये वाला नहीं काट दें। कल को अगर स्पीकर लगाना होगा तो फिर ऊपर से सिर्फ और सिर्फ वो क्लीन काट लेंगे। क्लीन ना काटिएगा, सिर्फ कटेगा ना, ऐसे कैसे ना लगा होता फिर था। चले फिर आप ये दो ही काटें, फिर जब वो लगवाएंगे फिर तो तब कर लेंगे। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ये वाले काटने के लिए भी नीचे से सारा कारपेट कटना पड़ना है, इसलिए वो ना कटवाएं। जब आपने स्पीकर लगवाने होंगे तब भी कटवा लेंगे। फिलहाल दो लोग सुराख करने लगे हैं, दूसरी तरफ टेप का काम जारी है, वायरिंग हो रही है इधर। पीछे वाला जो हमारा पट्टा था वो रेडी हो गया स्पीकर्स के लिए, बस इसके ऊपर फिटिंग होगी। जिसने सीट पोशिश वाला काम किया था ना उसने फट्टा बड़ा हल्का बना के दिया, डिग्गी के अंदर वाला भी और ये वाला भी, इसका भी बन जाता था। यहाँ स्पीकर का काम हम करने लगे हैं पक्का। जो बेस ट्यूब वाली गाड़ी होती है ना उसके अंदर स्पीकर की वायर आए दिन उतर जाती है क्योंकि लीड्स लगी होती हैं, तो इसको मैं करवाने लगा पक्का फिक्स। यहाँ इसके साथ रख के तो टांका लगा देंगे काव्य के साथ, तो पक्का काम हो जाएगा। कभी जो मर्जी हो जाए वायर नहीं उतरेंगी हमारी। ये मुझे अपनी सेंट्रो की बात बता रहे हैं कि सेंट्रो के अंदर बताएं जरा कितने स्पीकर लगे हैं। 40 स्पीकर और एम्पलीफायर, चार एम्पलीफायर लगे हैं और वूफर, दो वूफर और उनको सपोर्ट करने के लिए बैटरियां कितनी लगी हुई हैं, दो बैटरी। और ये सारा सेटअप जो है सेंट्रो के अंदर इन्होंने खुद लगाया हुआ है, और मुझे लगता है ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर, कहते हैं मैं चैलेंज कर सकता हूँ पाकिस्तान के अंदर किसी गाड़ी के अंदर इतना बड़ा सेटअप नहीं लगा होगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी के अंदर जो सेटअप लगा हुआ है वो सारा दिखाता हूँ। ये एक LCD है, ये नीचे LCD है, ये पीछे आप देख सकते हैं, कर सकते हैं आप, इधर भी स्पीकर हैं, इधर भी स्पीकर्स, ये इधर भी स्पीकर। मतलब इस गाड़ी के अंदर जहाँ आपकी नज़र जाती है ना सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है स्पीकर ही पड़े हुए हैं। अब आपको बोनेट के अंदर से दिखाता हूँ। V8 और प्राडो वगैरह तो बड़ी देखी होंगी दो बैटरी वाली, पर ये देख सकते हैं आप सेंट्रो के अंदर दो बैटरियाँ लगी हैं क्योंकि इतना हैवी सिस्टम इन्होंने लगाया हुआ है, इसको सपोर्ट करने के लिए इन्होंने दो दो बैटरी लगाई हुई हैं। ये देख सकते हैं आप सारी वायरिंग गई हुई है। ये आप स्पीकर देख सकते हैं और आप डिग्गी ज़रा ओपन करके दिखाते हैं यार, ये चेक करें आप। तो ये देखें क्या बात, मुझे लगता है आपने आहिस्ता आहिस्ता ये सीटें खत्म करके ना यहाँ भी कोई सेटअप लगा ही लेना है। सोचिए आपके ये सीटें खत्म कर लें और यहाँ भी कोई बड़ा सा सिस्टम लगा लें क्योंकि यही रह गया इसके पीछे तो, और जगह है गाड़ी। One eternity later. फिर से काम जारी है, सारी वायरिंग वगैरह हो चुकी है, टेप भी ऑन हो चुकी है, तो ये लग चुकी है, बस इसकी फिटिंग अब करनी है। बाकी वायरिंग कर रहे हैं ज़रा मज़ेदार सी जो नज़र ना आए, और पक्का काम हो गया, पक्का काम हो गया, ओह बेहतरीन हो गया। ऊपर इन्होंने पक्का टांका लगा दिया और टाइक्लम के साथ वायर भी प्रॉपर तरीके से बांध दिया। अब इसको जल्दी से फिट करें फट्टे के ऊपर, और उसके बाद फट्टे को वैसे क्या कहती हैं यार, मैं बार बार फट्टा ही बोल रहा हूँ, खैर फट्टा ही बोलते हैं। ये देख सकते हैं आप इधर से वायर जा रही हैं, पता भी नहीं कि कोई वायरिंग हुई है। और बोनट की अगर बात की जाए उसके अंदर भी ये बस बैटरी के साथ इसको कनेक्ट करने लगे हैं, और नीचे से सुराख बना होता है वहाँ से अंदर गई है वायर। स्पीकर की फिटिंग हो चुकी है, बस इसको लेके चलते हैं गाड़ी के अंदर लगाते हैं और कनेक्शन करते हैं। बाकी काम तो ऑल ओके है, बाकी एम्प की वायरिंग वगैरह हो गई है, बस एम्प लगना है बूफर डिग्गी के अंदर रखना है और काम हमारा ख़त्म। वैसे बड़ी जल्दी काम हुआ है। इनको मैं कह रहा था टेप लगा देते ताकि सही हो जाए काम। सारा काम ग्रिप टू ग्रिप हुआ है, और जितनी भी वायरिंग है उसको बड़ा कवर्ड कर लिया है, और जो भी कुछ वायर वगैरह थी वायर थी उसको टेप लगा लिया ताकि कल को जब खोलनी हो तो इस तरह गुंजल ना पड़ा हो वायर्स का।
हाँ जी इधर से आ जाएगी, ये तो उसकी है ना क्लाइमेट कंट्रोल की बल्ब है। सही हो गए सारे पेज पे, सही हो गए। ऑफ हो गई, चल रहे बंद हो गया। इसका मैंने कनेक्शन इस तरह का रखवाया कि जब मैं टेप ऑन करूँ तब ही एम्प ऑन हो, ये ना हो गया। ये नहीं करवाया सिस्टम के जब भी गाड़ी चलाते होंगे एम्प ऑन रहे, तो इस तरह एम्प की लाइफ ख़राब होती है। जब हम डेक ऑन करेंगे तब भी सिर्फ और सिर्फ एम्प ऑन होगा। जितना भी हमारा फिटिंग का काम था वो ऑल ओके हो गया है। साउंड की भी आपको मैं चेक करवाता हूँ, अभी अजानी हो रही हैं तो बाद में आपको साउंड भी चेक करवाता हूँ जो चेस करवा रहा है। बाकी काम गुड हो गया, एम्पलीफायर नीचे सीट के नीचे आ गया और वायरिंग वगैरह जितनी भी थी वो हो गया। पीछे स्पीकर्स लग गए हैं, डिग्गी के अंदर वो फर्क होगा, मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। डिग्गी के अंदर कुछ इस तरह का सेटअप पड़ा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह काम मेरी गाड़ी का हो चुका है। अगर आपने भी अपनी गाड़ी का कोई काम वगैरह करवाना है, कोई स्पीकर इंस्टॉल करवाने हैं, एम्पलीफायर लगवाने हैं, कोई LCD इंस्टॉल करवानी है, तो इस्लामी कॉलेज रोड के ऊपर, जब इस्लामी कॉलेज रोड पर आए ना तो स्टार्टिंग के अंदर इनकी शॉप है खोखर साउंड सिस्टम। इनका नंबर भी डिस्क्रिप्शन के अंदर चल रहा है, अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह ली है तो इनको कॉल करके वो भी ले सकते हैं। तो ठीक है फिर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, ओके फिर, अल्लाह हाफिज़। लोगों को मैं चल के अब बेस जरा चेक करवाता हूँ गाड़ी की। Many minutes later. सिस्टम तो मैंने गाड़ी के अंदर लगवा लिया है। एक छोटा सा मसला मुझे ये नज़र आया है कि फ़ोन मेरे पास एक है, या तो मैं वीडियो बना लूँ तो या मैं कुछ प्ले कर लूँ, तो जिस वजह से आपको अभी मैं बेस नहीं चेक करवा सकता। तो मिलते हैं इंशाल्लाह सुबह, देख सकते हैं अब शाम हो ही गई है, काम करवाते करवाते। The next day. बस आखिरी दफा आपको चेक करवाने लगा हूँ ट्रंक ओपन करके। तो ये थी गाड़ी की बेस जो कि आउट क्लास है। अगर साउंड क्वालिटी की बात की जाए तो वो भी आउट क्लास है, मतलब मज़ा आ जाता है गाड़ी के अंदर बैठ के, चस आती है पूरे म्यूजिक सिस्टम की। इसके अंदर कमी है तो एक इधर और एक फ्रंट पर स्पीकर्स लगने हैं, इंशाल्लाह ताला सोन वो भी लगवा लेंगे। One eternity later. यार वीडियो मैंने अभी देखी है, वीडियो के अंदर तो साउंड क्वालिटी और बेस ज़ीरो है, मतलब वीडियो के अंदर आप जज नहीं कर सकते कि बेस कितनी है और साउंड क्वालिटी अच्छी है या बुरी है। तो खैर मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि साउंड क्वालिटी गुड है। कभी आपको वैसे कभी रोड पर जाती हुई गाड़ी नज़र आई तो फिर आपको मैं चेक करवाऊँगा कि किस तरह की साउंड क्वालिटी है और बेस किस तरह की है। बाकी सेटअप से मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, इन्जॉय कर रहा हूँ। खैर ये वाली वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये सेटअप पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए।